जब अंतिम समय में 31 बाण भगवान ने मार करके रावण को सुला दिया था, तब रावण ने भगवान से कहा कि प्रभु यदि तुलना की जाए तो मैं बहुत आगे हूं, बल में भी और वैभव में भी। बल वैभव में तुमसे मैं अपने में देखी अधिकाई है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है? क्या ऐसा कारण है? बल और वैभव में तुम्हें आगे। अच्छा, और भी बात करें तो उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो। मैं ब्राह्मण हूं, आप रघुवंशी हैं, तो इस नाते भी मैं बड़ा हूं क्योंकि आप प्रणाम करते हैं मुझे। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो, मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। वन में रहे घूमते तुम वृक्षों के नीचे डेरा, सागर के मध्य दुर्गम अजय गढ़ सा लंक मेरा। तुमने तो जीवन में कहीं सोने की कुटी न एक बनाई है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है? क्या कारण है? अच्छा, सेना की बात करें तो भी मेरे संग सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। हाँ, बनर भालू ले आई एक अलग बात है, पर मेरे संग सेना थी, तुम एक थे नहीं, एक थे संग नहीं दूजा। एक समानता तो है, इष्ट दऊ के शंभु है, पर उसमें भी एक अंतर है। क्या? बोले शीश दे देकर मैंने पूजा। इष्ट दऊ के शंभु है, शीश दे देकर मैंने पूजा। तुमने तो कभी जीवन में रक्त की बूंद ने एक चढ़ाई है, फिर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है? इतनी सब बातें रावण ने कही तो भगवान बोले, अब इतने विचारक बन रहे हो तो थोड़ा बहुत विचार और कर लो। तब रावण ने कहा, एक बात है, प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बड़ी चढ़ी। प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बड़ी चढ़ी। चरित्रहीन में रहा कमी, ये अंत समय में समझ पड़ी। चरित्र बल ने ही विजय मार श्री राम तुम्हें पहनाई है, कारण यही श्री राम समर में विजय आपने पाई। प्रभुता मेरी थी विनीत, बात बात में बड़ी चढ़ी, लेकिन चरित्रहीन में रहा यह कमी अंत समय में समझ पड़ी। और चरित्र बल ने विजय मान श्री राम तुम्हें पहनाई है। भगवान का चरित्र कैसा? बेरी हूं राम बड़ाई करे, बेरी भी।